नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए IPL के 54वें मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी दोनों टीमों में से फैन है, किसी एक टीम के फैन है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL का अहम मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की शुरुआत काफी खराब रही। उनके ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली 0 रन बना के पवेलियन लौट गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि उनके कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने नाबाद 73 रनों की पारी खेली, जिसके वजह से ही रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 192 रनों तक के आंकड़े को पा सकी। वहीं आर पाटीदार ने भी 48 रनों का योगदान दिया, जबकि ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से 33 रन निकले। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 192 के आंकड़े को छूने में दिनेश कार्तिक का 30 रन काफी अहम था। आपको बता दें कि सिर्फ 8 गेंदों पे 30 रन बना के दिनेश कार्तिक ने शानदार योगदान दिया। उन्होंने 4 छक्के और 1 चौके भी लगाए। दोस्तों आपको बता दें कि इन बल्लेबाजों की मदद से ही रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 20 ओवर में 3 विकेट खो के 193 रनों का लक्ष्य सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रखा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सनराइजर्स की शुरुआत काफी खराब रही। उनके कप्तान और ओपनर बल्लेबाज दोनों 0 रन पे आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ए शर्मा 0 रन बना के पवेलियन लौट गए। वहीं केन विलियमसन भी बिना गेंद खेले ही आउट हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि राहुल त्रिपाठी ने कुछ हद तक संभाला, लेकिन अकेला बल्लेबाज कभी मैच नहीं जिता सकता। वहीं दोस्तों एडम मार्करम ने 21 रन की पारी खेली, जबकि निकोलस ने 19 रनों का योगदान दिया। दोस्तों आपको बता दें कि काफी अहम इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद हार गई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा हो गई।